ऑडियो स्क्रीन नोट 9 चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज पिलामिना में कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन रे इंडस्ट्रियल एमिशन केमिति कंट्रोल करा जीवो से विषय रे मु तुमको बुझौतली से विषय रे पढौतली। इंडस्ट्रियल एमिशन को कंट्रोल करया पहले तीनटा स्टेप थिला आ से तीनटा स्टेप रो फर्स्ट जो स्टेप थिला हमरो कंब्यूशन से विषय रे मु तुमको पढैली कंब्यूशन पढैली। एबे हमें जानिबा ऑब्जर्वेशन मेथड मु तुमको एबे ऑब्जर्वेशन मेथड पढौछि बुझा चेष्टा कर। ऑब्जर्वेशन माने कौन ऑब्जर्वेशन माने ऑब्जर्व हिजबा ढला ऑब्जर्वेशन हैला। ड्राई एंड वेट स्क्रबर्स हैविंग पैटरिंग मटेरियल्स आर यूज्ड ड्राई एंड वेट स्क्रबर्स स्क्रबर विषय बुझेली तो से जो स्क्रबर रही स्क्रबर भितर जो पैकिंग मटेरियल दिया जाए से पैकिंग मटेरियल टा आइदर ड्राई हो पारे सुखा हो पारे किंबा ओदा हो पारे वेट वेट माने ओदा तेणु स्क्रबर भितर ओदार पैकिंग दि जाइप किंबा सुखला पैकिंग मटेरियल आम रखिपर बुझेगा। नेक्स्ट लाइन एमिटेड गैस इज पास थ्रू देम टू रिमूव मॉडिफाइंग द पोल्यूटेंट्स टू रिमूव और मॉडिफाई द पोल्यूटेंट्स ये है आमर एग्जॉस्ट पाइप। ये एग्जॉस्ट पाइप उपरे आम एम गोटे स्क्रबर रखिदेले तापर एग्जॉस्ट पाइप ये जो स्क्रबर रही एटी आम पैकिंग मटेरियल रखाई स्क्रबर भितर पैकिंग मटेरियल अच्छी ये पैकिंग मटेरियल लिक्विड रही पारे ओदा हो पारे किंबा सुखा आम ये मटेरियल रखा। तापर ये जो गैसटा तलपट ऊपर को फ्लो कर गैसटा पास कर से गैस जदि जो पोल्यूटेंट था टॉक्सिक पोल्यूटेंट गुड़ाक स्क्रबर दे के पास करने समय स्क्रबर में से गुड़ाक फिल्टर ही रही जाती छाणी हो कि रही जाती बुझेगा। ये जो स्क्रबर से गैसियस पोल्यूटर गुड़ाक फिल्टर हूँ छाणी जाती से दुटा प्रकार हूँ गोटे आइदर रिमूव हो जाती जदि छाणी हो रहीगले पूरा सबुदिन रहीगले आम बाहर कर नहीं आसे बाहरी सेमती जदि एटा पास करने समय छाणी हो पारे तेल ये मॉडिफाई भी हो जाती किसी कंपाउंड गुड़ाक ये जोड़ाक बहुत विषाक्त तो थे से सब्सटेंस गुड़ाक ये पास कर ऊपर को गला बेले मॉडिफाई जाती जहाद्वारा टॉक्सिसिटी को कमी जाए थे बातर जो विषाक्त तो जो रही उपादान से कमी जाए थे है मॉडिफाई जाती पोल्यूटेंट्स गुड़ाक बुझेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम इज यूज टू ऑब्जर्व सल्फर डाइऑक्साइड ये जो स्क्रबर भितर जो आम जो रखी जो पैकिंग मटेरियल से पैकिंग मटेरियल आम लाइमस्टोन को रखिपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रखिपर एवं से जो लाइमस्टोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखिले सी कौन कर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर नब ये जो गैस रे जो गैसटा पास कर चिमनी देखी जाऊँच से गैस रे जदि अधिका मात्रा रे सल्फर डाइऑक्साइड थी तेल से सल्फर डाइऑक्साइड ही ऑब्जर्व हो रही। सेमिति एठी वाटर स्प्रे जो कर स्क्रबर जो ना तो वाटर स्प्रे कर तो वाटर स्प्रे कले से सल्फर अन्य ऑक्साइड्स गुड़ाक सेमिति नाइट्रोजेन आउ एमोनिया एगुड़ाक मध्य फिल्टर हो जाती बुझेगा। तेणु फिल्टर जो होती तो फिल्टर हेबापी आम जो पैकिंग मटेरियल स्क्रबर यूज से पैकिंग मटेरियल ड्राई यूज किंबा वेट यूज करपरिया ड्राई किंबा वेट पैकिंग मटेरियल यूज करें किसी असुविधा नहीं जहाँ भी यूज कले चलो सब्सटेंस को लेकिन आम यूज करवा जो गैस पास कर एमिटेड गैस जो पास कर गैस पास करवा समय से जो सब्सटेंस गुड़ाक पोल्यूटेंट गुड़ाक आइदर रिमूव संपूर्ण भाव रिमूव हो जाती नचे से गुड़ाक सब चेंज हो जाती केमिकल प्रॉपर्टीज रे परिवर्तन होता आउ जो पैकिंग मटेरियल आम यूज कर स्क्रबर भितर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करूँ ना लाइम बोली कहुचे यूज कले आम से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर बुझेगा। या व्यतीत आम वाटर स्प्रे कर वाटर स्प्रे कले आम सल्फर ऑक्साइड्स नाइट्रोजेन और एमोनिया को रिमूव कर बाट देखिए जो चिमनी होती है जो आम गैस टाइम पास करुचे आम जो ये वाटर स्प्रे करवा वाटर एमती स्प्रे करवा है वाटर स्प्रे कला बेले गैस पास कला बेले से सॉलिड पार्टिकल गुड़ाक ऑब्जर्व हो कंपैरेटिवली जोटाक क्लीन गैस थी सैटा पास होती सल्फर ऑक्साइड गुड़ाक रिमूव हो जाती नाइट्रोजन गुड़ाक ऑब्जर्व होती वाटर सहित नाइट्रोजन मिसीज NH3 अमोनिया थी से गुड़ाक वाटर सहित मिसिक छाणी हो जाती बाकी कंपैरेटिवली क्लीन गैस टाक बाहर की जाए ये हूँ आम ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्जर्व हो रहीगले।
है। थर्ड मेथड है एडजर्प्शन मेथड। एडजर्प्शन है ये एडजर्प्शन मेथड कौन टे जानवे एडजर्प्शन तुम्हें जान। एडजर्प्शन गोटे सब्सटेंस जो रही यहाँ जो गोटे एडजर्ब एडजर्बमेंट बोली कह सब्सटेंस जितेबाला आम किसी सब्सटेंस लग कि रोचे बोली जानुंती जो प्रोसेसटा को आम कौन कौन यही प्रोसेसटा कह एडजर्प्शन बोली कह एडजर्प्शन है। एडजर्प्शन कह बुझे एडजर्प्शन कह ये जो एडजर्प्शन होउची एडजर्प्शन प्रोसेस रे कौन होउची डिटेल टिके प्रोसेस आम ये डिस्कशन करिबा। ये जो प्रोसेस रे जो एडजर्प्शन होउची आम जानिले एडजर्ब बा एडजर्बमेंट क्या निजी से सब्सटेंस कौन नि जानिले आमे आउ केतरा जिनस भी जानिबा एडजर्बमेंट हिसाब से आ को निया जाउची एडजर्प्शन प्रोसेसटा कौन या द्वारा केमी आम बेनिफिट पाइबा इंडस्ट्री रो गैसेस पोल्यूटेंट को रिमूव करने टिके जानिबा। इठी टॉक्सिक गैसेस सुनो टॉक्सिक गैसेस वेपर्स एंड इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स। टॉक्सिक गैसेस माने विषाक्त गैस वेपर्स माने जानिचो वेपर माने जोटा को लिक्विडटा को जतले गैस फॉर्म कन्वर्ट सेटा को वेपर बोली कहिले। इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स बुझे जोड़ा कि इनफ्लेमेबल कंपाउंड जोड़ा को पोड़ी बुझे जो गुड़ाक पोड़ पारूला आम कंब्यूसन करदे कि जोड़ा को पोड़ी पार ना इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स से गुड़ाक पास करा जाए थ्रू पोरस सॉलिड एब्जॉर्बेंट है। एमती गोटे एब्जॉर्बेंट मटेरियल निहब यो स्क्रबर निया स्क्रबर भितर आम या भितर एडजर्बमेंट रखा से जो एडजर्बमेंट गुड़ाक पोरस होते पोरस मैंने कणा कणा होते सॉलिड होते एडजर्बमेंट से गोटे जमीक सिलिका जेल नहीं पार लाइम बा लाइमस्टोन नहीं पार एवं एक्टिवेटेड चारकोल को बुझेगा। एक्टिवेटेड चारकोल नहीं हम सिलिका जेल को नहीं हम कि लाइम बा लाइमस्टोन को ये नहीं कि आम एडजर्बमेंट कर बुझेगा। तापर जितेबले गैसटा को पास हे से गैसटा पास है गैस किसी गैसियस कंपाउंड और पार्टिकल गुड़ाक गोटे एडजर्बमेंटर सरफेस एमती लगिक रही सरफेस एमती लगिक रही से जो लगिक रहा प्रोसेसटा को कहते एडजर्बसन है। टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर हेल्ड और एडजर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ द एडजर्बमेंट। एडजर्बमेंट सरफेस उपरे से जो टॉक्सिक विषाक्त जिनस गुड़ाक कंपाउंड गुड़ाक ये एडजर्ब हो लगिक रहीगले गोटे मॉलिक्यूल उपरे बुझेगा। ये प्रोसेसटा कहते एडजर्बसन एमती भाव में आम इंडस्ट्री रु बाहर एमिशन को कंट्रोल कर पारे। प्रथम आम सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करदे 99% आम फिल्टर करदे जो विषाक्त रहिला पदार्थ गुड़ाक से गुड़ाक आम अब्जर्बसन एवं आ गोटे मेथड है एडजर्बसन मेथड रे आम रिमूव करवा कंब्यूसन मेथड रे मध्य तीनटा मेथड ये फॉलो कराला गोटे मेथड है कंब्यूसन सेकेंड है अब्जर्बसन थर्ड है एडजर्बसन हेला। एबे ए जो कंट्रोल मेथड रे हमें थर्ड बा लास्ट स्टेप आड़क आसवा लास्ट स्टेप हला हमरो कंट्रोल ऑफ व्हीकुलर एमिशन व्हीकल रु बाहर जो धुआं से व्हीकल रे धुआं मध्य व्हीकल रे थबा जो धुआंटा बाहर से धुआं रे भी बहुत बहुत अधिका मात्रा रे विभिन्न प्रकार रो टॉक्सिक पोल्यूटेंट गुड़ाक आसी परिवेश रे मिसुची परिवेश प्रदूषण होउची से मेजर जो सिटी गुड़ाक रही मेट्रो सिटी बा अन्यान्य सहर गुड़ाक बड़ बड़ सहर रे मुख्य पोल्यूटेंट बा मुख्य सोर्स होउची पोल्यूशन मुख्य सोर्स हला ये जो गाड़ी मोटर चली बहुत मात्रा अधिका मात्रा जो गाड़ी मोटर चली से गुड़ाक होउची मुख्य बा मेन सोर्सेस बुझेला ताकू केमिति कंट्रोल करा जाय परिबो से विषय रे आमे एठी पढ़िबा हला। तो फर्स्ट पॉइंट ये जो व्हीकल रु बाहर पोल्यूटेंट गुड़ाक केमी आम फिल्टर करवा से विषय जानवा। फर्स्ट मेथड है व्हीकल एग्जॉस्ट इज ए मेजर फैक्टर ऑफ पोल्यूशन इन बिग सिटीज कहीदेली। तापर यूज ऑफ टेट्रा इथाइल लीड इज डिस्करेज्ड इन ऑटोमोबाइल फ्यूएल फ्रॉम 2000 2000 पाखर आम जो डीजेल पेट्रोल बा पेट्रोलियम फ्यूएल जहाँ भी बिक्री होती लीड को व्यवहार करा जाऊना 2000 पूर्व लीड को से मिसा जाऊला पेट्रोल डीजेल मिसा जाऊला लीड मिसेले जो पेट्रोल डीजेल
ଟା ଫୁଏଲ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଯେଉଁ ମର୍ମର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନକିଂ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଯଦି ଆମେ ପକେଇବା, ଯଦି ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଯାଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ ଲିଡ୍ ମିଶେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ସାଉଣ୍ଡଟାକ ସେଠି କମିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିଡ଼୍ଟା ମିଶା ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ କରିଦିଆଗଲା। ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଡ଼୍ଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିଲା। ହେଭି ମେଟାଲ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଲିଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଏଜନିଂ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲିଡ଼୍ଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ପଦାର୍ଥରେ ଆଉ ମିଶା ନଯିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ବହୁତ ସମୟରେ ତୁମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯାଉଥିବ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପକାଉଥିବ, ସ୍କୁଟି କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ପକେଇଲା ସମୟରେ ଦେଖିବ କେହି କେହି ଲୁନା ଚଲେଇକି ଆସୁଥିବେ, ମୋପେଡ୍ ଚଲେଇକି ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଟିକିଏ କିଛି ଜିନିଷ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସେ ପକାଉଥିବାର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, 5 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କାରେ ବି ସେମିତି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ପକାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଟିକିଏ ମିଶିକି ପକାନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ପକାନ୍ତି କହିଲ ନା, ସେଇଥିରେ ଏଇ ଲିଡ଼୍ ମିଶିକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ମିଶାନ୍ତି, ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନ୍ଟାକୁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ ବା ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ମିଶାନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ, କି ଆଉ ଟେଟ୍ରା ଇଥାଇଲ୍ ଲିଡ଼୍ଟା ଆମେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର୍, କି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟେଟ୍ରା ଇଥାଇଲ୍ ଲିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଡିସ୍କରେଜ୍ଡ, ଆଉ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଉନି ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରମ୍ 2000। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନର୍ ଫୁଏଲ୍, କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବା ଫୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କାର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ କହିଲେ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ରେ ନେଉ ସିଏନ୍ଜିକୁ ନେଇଥାଉ, ସିଏନ୍ଜି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍, ତାକୁ ବର୍ନ କଲେ, ପୋଡ଼ିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରକୁ ବାହାରିବନି, ସେଥିରୁ କେବଳ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହିଁ ବାହାରିବ ହେଲା। ତ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ ହେଇଗଲା ସିଏ ଗୋଟେ। ସେମିତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍। ଏବଂ ଫୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁ କାର୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ସିଏନ୍ଜି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଇସବୁ ଲଗେଇକି ଯଦି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବି ଆଜିକାଲିକା ଆମର ଯେଉଁ ଏଲ୍ପିଜିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଲ୍ପିଜି ହେଉ ବା ସିଏନ୍ଜି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିର ଏଫିସିଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ଅଧିକା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକା କିଲୋମିଟର ରନ୍ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା, ଫୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବା ଭେହିକଲ୍ସ କହିପାରିବା। ତା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ୟୁଜ୍ କଲେ, କ୍ଲିନ୍ ଫୁଏଲ୍ କହିଲେ ଆମେ ଆଇଦର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠି ସିଏନ୍ଜି ବା ଏଲ୍ପିଜି ୟୁଜ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ସ ରନିଂ ଫ୍ରମ୍ ରିଚାର୍ଜେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରିଜ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏନକରେଜ୍ଡ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜରେ ଗାଡ଼ିଟାକ ରନ୍ କରିବ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ବା କିଛି ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଫୁଏଲ୍ ଟୁ ଡିଜେଲ୍। ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସିଏନ୍ଜି ବା ଏଲ୍ପିଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବନି। ସେମିତି ମାଣ୍ଡେଟରୀ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସିଏନ୍ଜି ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସ, ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଏନ୍ଜି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ସରେ ମାଣ୍ଡେଟରିଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ହେଭି ଭେହିକଲ୍ କହିଲେ ଆମେ କାର୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତା'ଠୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗାଡ଼ି ହେଲା ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ହେଭି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ସିଏନ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଟୁ ବି ଫିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଭେହିକଲ୍ସ ଆଜ୍ ଏମିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଭାଇସେସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ବାଇକ୍ରେ କିମ୍ବା କାର୍ ବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ତା ଭିତରେ ଆମେ କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେ କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟରରେ କ'ଣ ହେବ କି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଏଲ୍ ପାଇପ୍ ଅଛି ଆମର, ଏଇଠି କାଟାଲିଟିକ୍ କନଭର୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଠି ଲଗେଇବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହେଇଥିବ ଆମର ପ୍ଲାଟିନମ୍ର କିମ୍ବା ପାଲାଡ଼ିୟମ୍ର ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଲଗା ହେବ, ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼୍ ହଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଏମିଟ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ବାହାରିକି ଏପଟେ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିକ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ନ ହେଇଯିବେ, ପୋଡ଼ିକି ଯାଇକି
आइदर पार्टिकल को कन्वर्ट हेबे किंबा लेस टॉक्सिक कंपाउंड को कन्वर्ट हेबे। पार्टिकल हेले सल्फर टाको आउ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं कि खाली सल्फर हो रही फॉस्फोरस फॉस्फोरस रही जदि नाइट्रोजन कौन सी गैस आसो तो एन टू होदी कार्बन कौन सी गैस आसो कार्बन कौन सी कंपाउंड आसो तो सीओ टू हो बुझेगा जदि सीओ आसुवे सीओटा बर्न हो जाए कि सीओ टू होमती भाव में केवल लेस पल्यूटेंट गैसटा को आम एग्जॉस्ट पाइप देखिए बाहर बुझेगा। तो ये जो प्रोसेसटा कहते कैटालिटिक कन्वर्टर्स कहुच्छे हेला ये जो प्रोसेसटा कहगला कैटालिटिक कन्वर्टर्स कहगला। तापर इट कन्वर्ट्स टॉक्सिक कंपाउंड्स ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बुझेदेली कि जो टॉक्सिक कंपाउंड गुड़ाक इंजिन रु बाहर गाड़ी इंजिन रु बाहर से गुड़ाक लेस टॉक्सिक बा कम विषाक्त पदार्थ को कन्वर्ट हेला। नेक्स्ट लाइन द भारत एमिशन कंट्रोल नॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू 2000 मसीह आम भारत रे बा इंडिया रे भारत एमिशन कंट्रोल नॉर्म्स बोले गोटे सिस्टम गोटे इंट्रोड्यूस करा जाए थे ला 2000 रे जहाद्वारा भारत बा भारत स्टेज 3 भारत स्टेज 2 भारत स्टेज 4 भारत स्टेज 5 इमती नॉर्म सब आसला। एबे बीएस जो भारत स्टेज बीएस हला एबे तमे जानथो बीएस 6 इंजिन सब आसी या पूर्वरु बीएस आमर चलथला बीएस आई भी चल थला बीएस आई भी चल थला बर्तमान जी गाड़ी सब बिक्री हो सबू बीएस आई भी रो हेला मार्च बा एप्रिल पाखु बीएस 6 को कर दिया कंपलसरी बीएस 5 टा मझे गायब हो गला बीएस 5 रो इंजिन डेवलप करने दिगला नहीं बीएस 4 मॉडल गुड़ाक बर्तमान चली। तो बीएस 4 जी मात्र पल्यूटेंट बीएस 4 रो गोटे गाड़ीटे धर गोटे बैकटे ना गोटे पल्सर गाड़ीटा पल्सर बैकटा बा गोटे कार्टे जी मात्र बीएस 4 इंजिन रो कार्टे बैकटे जी मात्र पल्यूटेंट बाहर को छाड़ू बीएस 6 रे तार 10 टाइम्स लेस हो जा बुझे 10 टाइम्स लेस मात्र पल्यूटेंट रिलीज होतीपाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देला कि वर्तमान आमर केवल ये जो पल्यूटेंट गुड़ाक क्षेत्र में आम जोड़ाक भी गाड़ी यूज करवा से गुड़ाक केवल आमर बीएस 6 इंजिन को ही व्यवहार करा जो भारत स्टेज 6 है BSVI है भारत स्टेज 6 इंजिन को व्यवहार करा जीवो यहाँ द्वारा बहुत कम मात्रा रे पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर को रिलीज हेबो। ए जो पोल्यूटेंट गुड़ा को लेकिन इंजिन डेवलप होती से मुख्यतः सल्फर कंपाउंड को लेकिन कराई है सल्फर कंपाउंड ताने एबेकार जो इंजिन आसव से इंजिन द्वारा बहुत कम मात्रा रे सल्फर एटमॉस्फेयर को रिलीज हेबो हला। अच्छा नेक्स्ट है भारत इन व्हिच भारत 3 नॉर्म इज रेकमेंडेड फॉर न्यू पैसेंजर कार्स एंड भारत 4 नॉर्म फॉर पर्सनल कार्स एटा थिला बर्तन एटा को सब कटिगला बुझेगा। ये पूर्वर थिला एबे ए जो आमर एप्रिल जो समयटा कोरोना टाइम थिला कोरोना जेबे टू स्टार्ट हला सेबे टू बीएस 6 को इम्प्लीमेंट हला किंतु जेहेतु कोरोना टाइम चली बीएस 4 रो जो गाड़ी सब रही जाइए बिक्री करने वर्तमान अनुमति अच्छी बायलाउ करिसेंती परमिशन देइसेंती बट आ मैन्युफैक्चरिंग हो पारे बीएस 4 बीएस जो आई भी इंजिन आयरी हो पारे जो गुड़ा तैयारी केवल सेल करने परमिशन अच्छे तैयारी कितु आबनी कौन सी इंजिन आयरी हो पारे गवर्नमेंट परमिशन देनी एवं सेपाई बीएस 6 इंजिन रो गाड़ी सब तैयारी मार्केट को आसला से गुड़ा सब बिक्री हे से आमको कम मात्रा रे जो पल्यूटेंट गुड़ाक रिलीज हे हेला। ये जो पॉइंटा से जो पॉइंटा ये जो कहली भारत कंट्रोल एमिशन कंट्रोल नॉर्म पॉइंटा यहीटा को इंट्रोड्यूस 2000 रे वर्तमान मझीरे थिला 3 रो आमे आउ 4 रो भारत 4 रो पर्सनल कार पैसेंजर कार यूज करिया बोली थिला नॉर्म बर्तमान एगुडा सब गुडा को माने नल एंड वॉइड कर दिया गला काटि दिया गला काटि की सीधा सळक बीएस 6 बोली कराला। तो नेक्स्ट ईयर जो तुम्हें एग्जाम दबो से समय आम ये लाइनटा को मॉडिफाई कर दबा मॉडिफाई करके बीएस 6 उपरे गोटे लाइन लेखिबा मु तुमको कॉलेज को आसला परे सेटा को मॉडिफाई करके लाइनटा सेंटेंसटा को परीक्षा पूर्वर कहबि। अच्छा लास्ट लाइन ए पॉलिसी ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिस्करेजेस यूज ऑफ पर्सनल कार्स हाँ
पर्सनल कार पर्सनल व्हीकल यूज करी करुँचे बेसी मात्रा रे पोल्यूशन होबार संभावना रहिबो कारण प्रत्येक आजिकालिका घरे घरे गाड़ी दी तीन टा लेखा रही जदि समस्ते गाड़ी धरी बाहर को बाहर समस्ते जदि गाड़ी रे जीवाश करवा ताले बहुत अधिका मात्रा रे पेट्रोल डीजेल पड़िबो बहुत अधिका मात्रा रे गैस सब पल्यूटेंट सब रिलीज हम एटमॉस्फेयर पल्यूशन धीरे धीरे बढ़िबो सेतिपई गवर्नमेंट तरफर इनिशिएटिव एमिती निया होची कि आमे जेमिती बहुत कम मात्रा रे पर्सनल कार यूज करिबा पर्सनल बाइक यूज करिबा गवर्नमेंट रो जो चली मास ट्रांजिट सिस्टम रही से मास ट्रांजिट सिस्टम अनुसार आमे सब बड़े चेष्टा करिबा दरकार कि गवर्नमेंट रो बस गवर्नमेंट रो ट्रेन ए सबु थरे बेसी बेसी मात्रा रे यूज करिके ट्रांसपोर्टेशन रे आमे जीवा आसीबा करिबा दरकार ताहा द्वारा पर्सनल कार बा हमरो बाइक यूज कम हे परिबो एवं पोल्यूशन मध्ये कम होबो ए सबु अवेयरनेस आमको सृष्टि करिवार अछि लोक मानको मध्ये याकु शेयर करिवा दरकार ताहा द्वारा आमे पोल्यूशन को कम करि परिबा कारण व्हीकल रु बाहरुतबा एमिशन आजिकालि गोटे मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन हिसाब रे निया जाउछि बुझेला तो ये हला हमरो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन रो कंट्रोल उपरे एतिके पॉइंट आमे डिस्कशन कले गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आउ ये जो लॉन्ग क्वेश्चन थिला ए लॉन्ग क्वेश्चन मते बहुत इंपोर्टेंट थिला जेहेतु ये वर्ष एग्जाम कैनसल हो गला तेणु तुम ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है ये सहित आम एयर पोल्यूशन को ये कंप्लीट करदे आम एयर पोल्यूशन पर आ गोटे पोल्यूशन को आसवा जोटा आमर वाटर पोल्यूशन बुझेगा जल प्रदूषण जमीती एयर प्रदूषण है एयर प्रदूषण हवा द्वारा आम विभिन्न प्रकार जहाँ भी जीवजंतु वृक्षलता रही पृथ्वीपृष्ठ पर समस्ते अफेक्टेड होती सेमती वाटर पल्यूशन द्वारा आम पल्यूशन जो वाटर पल्यूशन जल प्रदूषण द्वारा आम अफेक्टेड हवा सेमती जहाँ भी प्लांट अच्छा से द्वारा प्लांट गुड़ाक भी अफेक्टेड हे वाटर पल्यूशन द्वारा पुणी प्लांट पाखर आम जो खाद्य पाऊँ से खाद्य पाइबारे आम अनियमितता हम तो विभिन्न प्रकार इफेक्टा को डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली हूँ आम पाखे पहुँचे एवं आम से वाटर पल्यूशन विषय आलोचना करवा ये वाटर पल्यूशन से वाटर पल्यूशन प्रथम आम डेफिनेशन देखा वाटर पल्यूशन जमी आम डेफिनेशन एनवायरमेंटल पल्यूशन करते खाली पल्यूशन रे पुणी सेमती आम एयर पल्यूशन डेफिनेशन करते एक्जाक्टली से टाइप आम पल्यूशन को ये डिफाइन करवा वाटर पल्यूशन एयर पल्यूशन सेमती सॉयल पल्यूशन सबुथे पल्यूशन को समान टाइप आम डिफाइन करार संज्ञा निरूपण करें बहुत इजी आम तीन टा शब्द को प्रयोग करके डिफाइन करते एयर पल्यूशन को जे फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रे जदि चेंज होती चेंज द्वारा जदि वायुमंडल कौन सी प्रकार इफेक्ट आम उपर पड़ू क्षतिकारक इफेक्ट पड़ू से आम कहते एयर पोल्यूशन पूरा समान भाव में ये खाली एयर जगह वाटर लगेदे आम वाटर पोल्यूशन डेफिनेशन ही पाइबा है कौन सी प्रकार अनावश्यक परिवर्तन एनी अनडिजायरेबल चेंज देख एनी अनडिजायरेबल चेंज कौन सी अनावश्यक परिवर्तन इन द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पानी रे जो फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी केमिकल प्रॉपर्टी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पानी रे जते बेले फिजिकल प्रॉपर्टी माने पानीटा रो फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी पानी रे केते टेम्परेचर रहिबो केते मात्रा रे तार भापर हबो ए सब गुडा होची फिजिकल प्रॉपर्टीज सेमिति केमिकल प्रॉपर्टी जदि कोनोसी केमिकल कंपाउंड पानी रे मिसेला तनो पानी रो जो नॉर्मल जो प्रॉपर्टी रहिचे से प्रॉपर्टी धर्म नष्ट होई जिवो सेटा लतार केमिकल प्रॉपर्टी आ से केमिकल मानको द्वारा अन्य माने अफेक्टेड हेबे सेमिति पानी रे जदि कोनोसी जीवाणु बा जीव सब बेसी मात्रा रे अधिका मात्रा रे मिसेले त पानी मध्ये आहुरी बेसी दूषित बा प्रदूषण हबो तो ए सब गुडा कहूची फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर व्हिच इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पल्यूशन बुझेगा एमती प्रकार डिफाइन करवा जो जब चाहिए आउ गोटे प्रकार करमीक इट इज डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर कंटामिनेशन मैंने कही अपमिश्रण कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय टॉक्सिक एंड फिल्दी मटेरियल्स टॉक्सिक मैंने विषाक्त फिल्दी मैंने एपट सपट आवर्जना पदार्थ फिल्दी आवर्जना टॉक्सिक एंड फिल्दी मटेरियल्स फिल्दी मैंने आवर्जना पदार्थ फिल्दी मटेरियल्स व्हिच मेक इट अनसुइटेबल फॉर कंजप्शन बुझे जिते बड़े कंटामिनेशन हबो वाटर रे अपमिश्रण हबो आउ से जो अपमिश्रण टाक विषाक्त एवं आवर्जना द्वारा होइथिबो ताहा द्वारा से पानीटाक अनसुइटेबल हबो अनुपयुक्त होइजिबो फॉर कंजप्शन कंजप्शन पई अनुपयुक्त होइजिबो बाय यूज आउ हबनी
एमिति प्रकारे मध्ये आमे याकु डिफाइन करि परिबा। इट इज डिफाइंड एज कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय टॉक्सिक एंड फिल्दी मटेरियल्स व्हिच मेक इट अनसुइटेबल फॉर कंजप्शन। बुझेला देन ए जो पॉल्यूशन होची वाटर पॉल्यूशन पानी रे जो प्रदूषण होची केमिति होची को सोर्स रु आसे पानी टा प्रदूषण होची से विषय जानिबा। सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन सोर्सेस एट दुईटा सोर्स अच्छे मेन उत्स अच्छे जो सोर्स रु कि वाटर पॉल्यूशन होता है। बुझेगा दुईटा सोर्स अच्छे से जो दुईटा सोर्स अच्छे से दुईटा सोर्स विषय आम टे जाना है। दुईटा सोर्स है कौन गोटे हूँ आमर पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स पॉइंट मैंने आम निर्दिष्ट भाव में कहींपर कि पानी को सही आवर्जना आसी मिसुची सेटा ला पॉइंट सोर्स। किंतु जदि आम कही पारे कि ये पानी को कौठ आवर्जना आसमें जानी पार ना बट पानी आवर्जना होनीटा दूषित होती से ही क्षेत्र में कह नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स है फ्लो ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम रेगुलर चैनल्स। फ्लो ऑफ पोल्यूटेंट्स मैंने पोल्यूटेंट आसिक मिसुचान फ्लो ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम रेगुलर चैनल्स डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज। डायरेक्टली वाटर बॉडी रे जदि आसी मिसुचान आम कहले पॉइंट सोर्स। उदाहरण स्वरूप म्युनिसिपैलिटी रु कि गोटे पाख इंडस्ट्री जदि ये जो वेस्ट मटेरियल आसी नदी में मिसुची तेल मुझसे नदी पर तार सोर्स कहीपर म्युनिसिपैलिटी किंबा गोटे इंडस्ट्री। कटक सहर से जहाँ आवर्जना निश्चित भाव में सबुतक जा कौटी मिसुची महानदी बा काठजोड़ी मिसुची। तो से कटक टाउन से जो महानदी बा काठजोड़ी पॉइंट सोर्स है म्युनिसिपैलिटी एवं कटक टाउन रे चलता इंडस्ट्री। आउ नॉन पॉइंट सोर्स का कह ना जो आम निर्दिष्ट भाव में कहींपर कई इंडस्ट्री आसूसी कि से म्युनिसिपैलिटी आस जाणी हो नाल कह नॉन पॉइंट सोर्स है। फ्लो ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द वाटर बॉडीज फ्लो ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल अराउंड मन रखिए फ्लोम ऑल अराउंड विभिन्न आड़ आसी बर्षाटी होगा बर्षा पा सागर धोई ये इंडस्ट्री पटु देक आसला से पा कि गोटे बिलपटू जमीपटु भी आसला कौटी क्या घर पटु देक आसब जंगल जो पाखे से जंगल पटु भी आसब बुझे कौटी चाष जमी अच्छी चाष जमी पटु भी पा आस। तो विभिन्न आड़ पा जोबले बर्षा जल सहित मिसिकी आसिक नदी में पड़ा और नदी जल दूषित होगा सेत कह नॉन पॉइंट सोर्स कौन से निर्दिष्ट जगार पल्यूटेंट आसी बोली आम कहीपर ना सबुआड़ू किसी ना किसी मिसिके आती कहें नॉन पॉइंट सोर्स है। सी है आम एग्जांपल है रेन वाटर रन ऑफ। रेन वाटर रन ऑफ रेन माने वर्षा जल रन ऑफ माने जो दौड़ी आस वर्षा हाँपर जो पानीटा को एक्सेस वाटर टाक जो जहाँ अब्जर्व आब्जर्व हो बट जो पानीटा वर्षा हाँपर है पृथ्वी पृष्ठ उपर जोटा बोहिक पड़ी जा रन ऑफ वाटर बोली कहती बुझेगा रन कर पड़ा वाटर तो रन ऑफ वाटर बुझेगा। तो रेन वाटर रन ऑफ है मोर ये गोटे नॉन पॉइंट सोर्स नो आम जानू कि से रेन वाटर रे कौन कौन सब मिसिक आसी तेणु से मुझे कहली रेन वाटर रन ऑफ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये जो जल प्रदूषण हो जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार हो पारिबो हैला विभिन्न प्रकार माने आमे या पूर्व पढ़ुते एयर पोल्यूशन तुम्हें किंतु एयर पोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स रु कही पारिबोनी काहेकि कि एयर तो गोटे प्रकार चारिआड़ अच्छे तेणु एयर टाइप्स रो पोल्यूशन केमिति हबो। एयर जो पोल्यूशन से गोटे प्रकार ही कारण ये गोटे बायुटा चारिआड़ अच्छे से बायुटा मो घर पाखे भी अच्छे से बायुटा एठी भी अच्छे से बायुटा आम कटक भी अच्छी से पारादीप अच्छी जाजपुर अच्छे बालेश्वर भी अच्छे तेणु गोटे वायु मंडल चारिपट अच्छे किंतु जलर जो उत्स ये विभिन्न प्रकार रही तेणु विभिन्न प्रकार जो जलर उत्स अच्छे से ही उत्सव जिते दूषित हम जल उत्स गुड़ाक दूषित हम से आम वाटर पोल्यूशन को विभिन्न प्रकार से कह विभिन्न प्रकार बोली कहींपर जमीक जलर गोटे प्रकार उत्स धरणीय जलर उत्स गोटे आम नहीं पार पोखरीटे पोखरीटा मानस स्टैंडिंग वाटर आउ जो पोखरी रही पोखरीटा हूँ आमर कौन सरफेस वाटर बॉडीटा सरफेस मानने मटी उपर गोटे पोखरीटा अच्छे बंध बा नदीटे अच्छे तो पानीटा कौन मटी उपर रही से मटी उपर जल भाग जदि कौन प्रकार वेस्ट मटेरियल मिसला प्रदूषण है सरफेस वाटर पल्यूशन बुझेगा सरफेस वाटर पल्यूशन।
ବୁଝିହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯିବ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ଜଳାଶୟରେ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୂତଳ ଜଳଭାଗରେ ଭୂତଳ ଜଳଭାଗ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ସୋର୍ସ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନଳକୂଅ ବା କୂଅ କିମ୍ବା ବୋରିଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଣିକୁ ଉଠାଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳରେ ଯଦି କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟକ୍ସିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ କହୁଛୁ ସେଥିରେ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜଳଭାଗ ସେଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ସେ ପାଣି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ ସେମିତି ମାଟି ତଳେ ଥିବା ପାଣି ଭାଗରେ ବା ପାଣିରେ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କହିପାରିବା ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ଲୁଣି ପାଣି ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ବା ଟକ୍ସିକ୍ ପଦାର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମାଟେରିଆଲ୍ ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କହିପାରିବା ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତିନିଟା ପ୍ରକାରେ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଡିଭିଜନ୍ କଲେ ତିନିଟା ପ୍ରକାରେ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ଏବଂ ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ହେଇକି ତିନି ଟାଇପ୍ର ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଲେ ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଏହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ତିନି ପ୍ରକାର ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ପାଣିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଉତ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ବା ଅପମିଶ୍ରଣ ତା'ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେଲା ହେଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତିନିଟା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମିତି ଆମେ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝିହେଉଛି ଏମିତି ତିନିଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମିତି ତିନିଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ଆଉ ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ତିନିଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟୋଟାଲ୍ ସମୁଦାୟ ଏଇଠି ଆମେ ଛଅଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ତିନିଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛି ତାପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତିକି ଆମେ ଛଅଟା ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ସ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ପଢ଼ିବା ଏଇ ଚାପ୍ଟର୍ରେ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାପରେ ଚାପ୍ଟର୍ ସରିବ ହେଲା ତ ଏଥିରେ ଛଅଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍